Hello friends, welcome back to you my YouTube channel or Just English Classes. How are you all and how is the study going on? I think you will prepare very well for your examinations. Okay, तो guys हमारा ये part third है जो कि हम पी बी शैली को पढ़ रहे हैं और part third है बहुत ही important question series हमारी चल रही है और मैं आपको ये भरोसा दिला सकती हूँ कि ये questions अगर आप कर लेते हैं तो आपको definitely यहाँ से बहुत सारे question मिलेंगे आपके exams में, मतलब यहीं से मिल जाएंगे आपके exams में, तो हो सकता है ठीक है। तो guys आप अगर अब से पहले नहीं मेरे चैनल पे विज़िट कर पाए हैं और अभी आपने किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है मेरे आज के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहला लाइक बटन दबा दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से और फिर हम शुरू कर लेते हैं, राइट। तो चलिए पार्ट थ्री हम शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार यही कहूँगी गाइज, इनको अगर आपने कर लिया है तो बहुत बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। चलिए गाइज, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डज शेली आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाय द इनकंटेशन ऑफ हिज वर्स। तो इसमें रिवाइव हिज फॉलन स्पिरिट होगा, हैस्टन द साइकिल ऑफ सीजंस होगा, बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी होगा, अनचेन हिम फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ टाइम होगा। तो क्या इसमें आपका आंसर होने वाला है? तो यहाँ पे गाइज अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा ये भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है अनचेन हिम फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ, सॉरी गाइज, हाँ डी नहीं सी, मैंने ही गलत कर दिया। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ना कि डी, है ना। बी आर ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेसी होती है किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी कर देना, है ना। प्रोफेसी आपके एग्जाम्स में वैसे भी आ सकता है वोकैब के अंदर, तो प्रोफेसी अच्छा वर्ड है। तो प्रोफेसी होती है, यहाँ पे आपने देखा है कि एक लाइन आती है दैट कौन सी, ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो यहाँ पे एक तरीके की भविष्यवाणी यहाँ पे दिखाई जा रही है, प्रोफेसी, तो इसी को हम यहाँ पे आंसर मानेंगे। अकॉर्डिंग टू शेली वेस्ट विंड इज़ द ब्रीथ ऑफ समर, ऑटम, स्प्रिंग या फिर विंटर, क्या होगा इसमें? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑटम, ऑटम की बात होगी यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शेली द विंड वेस्ट विल्ड वेस्ट विंड इज़ द ब्रीथ ऑफ ऑटम हु इज़ द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग। ऑटम कौन है? सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, है ना। और आपने ये लाइन भी देखी होगी, ओ विल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बींग, ओके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ शेलीज वर्क इज़ अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, कौन सा वर्क यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी से स्टोरी डराइव की गई है, ओ टू द वेस्ट विंड, क्वीन मै, प्रोमेथियस अनबाउंड या फिर अलास्टर। तो कौन सा वर्क होगा? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपका कौन सा गाइस, ग्रीक माइथोलॉजी से जो यहाँ पे मिलेगा आपको, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ये प्रोमेथियस अनबाउंड, ओके। यहाँ पे अगर स्टोरी ली गई है तो ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रोमेथियस अनबाउंड हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोयम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डज मीन्स। यहाँ पे जो इन द पोयम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डज मीन, डज मीन्स का क्या मतलब है? अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, अर्ज टू डू समथिंग, डिसेंग ईयर या फिर अ जॉयस मोमेंट। तो क्या होगा? अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, तो यही हो जाएगा, बिकॉज एक डेड पर्सन के लिए जो सॉन्ग होता है, ए ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कहते हैं ग्रीफ सॉन्ग, तो ग्रीफ सॉन्ग, डज का मीन्स भी ग्रीफ ही होता है तो ग्रीफ सॉन्ग कहेंगे इसी, इसको भी आप यहाँ पे। Whom the West Wind awaken, the fierce Menad, the blue Mediterranean, the Atlantic Ocean, the hectic red leaves। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, यानी कि द ब्लू मेडिटेरेनियन, ऑप्शन बी इज राइट, द ब्लू मेडिटेरेनियन। शेली प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम एज सी विंग्ड सीड्स, एज द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, एज द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स, एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड। तो कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो 69 ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड। If winter comes, can spring be far behind? This line means, इस लाइन का क्या मतलब है? If winter comes, can spring be far behind? क्या इसका ये मतलब है कि many may come and many may go, winter will be followed by the spring?
There is a silver lining behind every cloud that we see. या फिर there are four seasons in England only. तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो शी ऑप्शन राइट होगा. शी ऑप्शन इज राइट हियर. देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड दैट वी सी. इन हिज बॉयहुड डेज शेली वुड ट्राई टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड. फ्लॉट लाइक अ वेव. ये फ्लॉट नहीं है, फ्लॉट है यानी कि तैरना. लाइक अ वेव इन बे बे बी विल्ड प्ले द लायर. क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर? तो यहाँ पे ए को मानेंगे सही, है ना. आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड. तो ए ऑप्शन इज राइट हियर. वैन शैली रोड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को लियोन इन सिथना जो है वो इसका दूसरा टाइटल है इसका, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का. तो ये कब आया था? 1816 में, 1818 में, 1819 में, 1820 में. तो बी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि 1818 में आया था. इसी की हम बात कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय शैली. शैली के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? क्वीन मैब इनका है, अलास्टर इनका है, द चेंची भी इनका. तो हाइपेरियन जो है ये इनका नहीं है, बिकॉज ये जॉन कीट्स का है. सेड अबाउट शैली ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड. कौन कहता है शैली के बारे में कि ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड? तो यहाँ पे स्विनबर्न की हम बात करेंगे. ये होता है, ये कहा है, ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड. शैली रोट अ पैम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म बाय होम ही वॉज इंस्पायर्ड. अब उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसकी वजह से उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. तो नेसेसिटी एथिज्म नाम का. तो वो किससे प्रभावित होकर के, किससे इंस्पायर होकर के? कांट, बर्गन, ह्यूम या फिर कीट्स. तो यहाँ पे ह्यूम इसका आंसर हो जाएगा, राइट. ह्यूम यहाँ पे इसका आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं. ओके गाइस, हाँ, वेयर डिड शैली सेटल्ड एंड रॉट हिज बेस्ट पोएम्स. कहाँ पे सेटल होकर के शैली ने अपनी बेस्ट पोएम्स लिखी हैं? ससेक्स, ईटोन, फ्रांस या फिर पीसा. तो क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसा. पीसा में इन्होंने जॉन किट्स को भी बुलाया था बट उन्होंने मना कर दिया था, है ना. तो यहाँ पे पीसा होगा. मैरी सेलीज फादर वॉज विलियम गॉडविन. आपको पता है कि मैरी सेली इनकी वाइफ थी, उनके पिता थे विलियम गॉडविन. वो एक फेमस क्या थे? फिजिशियन थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, पोएट एंड सटायरिस्ट थे, फिर फिलोसफर थे. तो वो फेमस फिलोसफर थे, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं. वट अकॉर्डिंग टू शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. शैली के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या होती है? द ह्यूमन एंड ड्रीमिंग, रीजन टू सिंग अवे इमोशंस, द ह्यूमन माइंड एट वर्क, द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस. ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर. नेक्स्ट बनता है, शैलीज अलास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड. शैली का जो अलास्टर है उसको क्या और कहा जाता है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैप, स्टेंजा रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपाल या फिर नन. तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, राइट. तो हाँ, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसको कहा जाएगा. कब आया था ये बता दीजिए? 1816 में, है ना, 1816 में. ये डेट्स आपको याद रखनी है. और ये किसकी बदले में इन्होंने लिखा था? जो यहाँ पे अगर हम स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड की बात करें तो ये इन्होंने जो थॉमस लव पीकॉक थे ना, उनका एक वर्क आया था, उनका एक वर्क आया था शायद 1820 के आसपास आया था. तो उनका ये जो वर्क आया था उसी के बदले इन्होंने, है ना, ये दिया था वर्क अपना. चलिए, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड व्हेन द लिप्स हैव स्पोकन लव्ड एक्यूट्स आर सून फॉरगॉट व्हेन द लैम्प इज सेटर्ड. नथिंग बिसाइड्स रिमेन अराउंड द डिसे ऑफ द दैट कलोसल रेक बाउंडलेस एंड बेयर. ओज़िमेंडियास का है. ओहो, लिफ्ट मी एज अ वेव, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लिफ्ट अ क्लाउड और टू द वेस्ट विंड. ये सही है. अ हैवी वेट ऑफ आर्स एंड चेन्ड एंड बाउंड बोब्ड एंड टू लाइट टू द टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड. तो ये एडोनिस का नहीं है. टेमलेस की बात करें तो ये किसके लिए आती है? ये ऊपर के सारे सही हैं गाइस. ओज़िमेंडियास की भी ये लाइन सही है और ये जो सी है ये भी सही है. तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा. कौन सा? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेमलेस की और स्विफ्ट की और प्राउड की बात हो रही है वेस्ट विंड के बारे में. तो ये वेस्ट विंड की लाइन है, एडोनिस की नहीं है. टू मी दैट कप हैज़ बीन ड्यूल्ड इन अनदर मेजर. हु कम्पोज द लाइन? किसने ये लाइन कम्पोज की है? तो यहाँ पे पीबी शैली की ही बात करेंगे हम लोग. लेकिन कहाँ कंपोज की है ये बता सकते हैं आप? हाँ, ये डिजेक्शन नियर नेपल्स में है. ओड टू द डिजेक्शन नियर नेपल्स में.
Alas, I have not hope, nor health, nor peace within, nor calm around. Or to the west wind, stendhal dissection near Naples, to a skylark या फिर Adonis. कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि ये लाइन है रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स में है. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट हियर. नेक्स्ट पे चलते हैं. हाउ मेनी एक्ट्स आर इन सेलीज प्रोमेडियस अनबाउंड. इनका एक लिरिकल ड्रामा है प्रोमेडियस अनबाउंड, उसमें कितने एक्ट हैं? 1, 3, 4, 5 या तो यहाँ पे 4 एक्ट की बात करेंगे. 4 एक्ट यहाँ पर हमें मिलते हैं प्रोमेडियस अनबाउंड के अंदर. ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट पे चले. कब आया था ये बता दीजिए, 1820 में है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय शेली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. शेली की कौन सी पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है? द विच ऑफ एटलस, हेलस, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ या फिर चेंची. कौन सी ब्लैंक वर्स में यहाँ पर मानी जाएगी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करेंगे, द विच ऑफ एटलस. कौन सी? द विच ऑफ एटलस, इसी के बारे में हम बात करेंगे. ये लिखी गई है आपकी ब्लैंक वर्स में. और ओटावा रिमा स्टेंजा है इसके अंदर, लेकिन ये ब्लैंक वर्स में है. ब्लैंक वर्स क्या होता है? राइम नहीं होती. ठीक है, ओटावा रिमा. चलिए प्रोमेडियस अनबाउंड इज अभी अभी बताया था ये लिरिकल ड्रामा है, तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ सेली इज इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी इज. जो टाइटल है सेली की इनकम्प्लीट एलिगरी, इनका एक इनकम्प्लीट वर्क है एलिगरी, इसको कहा जाएगा, तो वो ड्रीम एलिगरी कहते हैं उसको. तो वो कौन सा है? माउंट ब्लैंक है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है, हेलास है, द ट्रम्प ऑफ. तो तीनों ऊपर के जो है वो तो कम्प्लीट हैं, ये जो इनका फोर्थ वर्क है द ट्रम्प ऑफ लाइफ ये कम्प्लीट नहीं है. तो ये ही आपका अनकम्प्लीट रह गया था. ठीक है ना, चलिए. द ट्रम्प ऑफ लाइफ वॉज अनफिनिश्ड पोएम ऑफ शेली एंड वॉज हिज ड्रीम पोएम इन ट्रेजा रिमा. कहाँ, किस में है ये? ये भी ट्रेजा रिमा में है. विच इकोज ऑफ इटालियन पोएट्स, इटालियन पोएट्स का प्रभाव इस पर देखा जा सकता है. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर बोअर मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ. तो और टू डिजेक्शन, हेलस, अलेमेंट या फिर लियोन एंड सितना. तो ये एलेमेंट का है. किसकी है ये लाइन गाइस? आ लेमिट पोएम की आपको ये लाइन मिलती है. बहुत अच्छी लाइन है, बहुत प्यारी पोएम है. ठीक है, गुड. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं. थोड़ा थकान फील हो रही है मुझे. एशिया इज अ कैरेक्टर इन. एशिया नाम का ये कोई महाद्वीप मत समझ लीजिएगा इसको. एशिया इज अ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है. कहाँ पे है? प्रोमेडिस अनबाउंड में है, द केयर टेकर में है, हया बदाना है या फिर का कोई करेक्टर मिलता है. तो यहाँ पे बात करेंगे प्रोमेडिस अनबाउंड के बारे में, इसी में आपको एक करेक्टर मिलता है. पी बी शैलीज मास्टर पीसेस. पी बी शैली का मास्टर पीस किसे माना जाता है? ऑटू द वेस्ट विंड, ऑटू स्काईलर्क, कॉजी, प्रोमेडिस अनबाउंड. तो यहाँ पे बात करेंगे हम ऑटू वेस्ट विंड की, इसी को मास्टर पीस माना जाता है पी बी शैली का. हु सेड पोएट्स आर द मिरर ऑफ गिगेंटिक शैडोज विद फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट. किसने ये लाइन कही है? Who said poets are the mirror of gigantic? किसने कहा है गाइज, ये आपको बताना है. यहाँ पर बहुत प्यारी है ये लाइन भी. एक मिनट गाइज. हाँ वो वाला दे दो ना दूसरा. ओके ओके ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे बात करेंगे हम, किसने कहा है मिरर ऑफ द गिगेंटिक शैडोज. तो यहाँ पे पी वी शैली की ही बात करेंगे हम लोग. पी वी शैली ने ही कहा है कि पोएट्स आर द मिरर ऑफ गिगेंटिक शैडोज. ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. इन विच ऑफ योर, ये लास्ट क्वेश्चन है. आज मैंने 25 से थोड़े ज़्यादा कर दिए थे दो तीन, तो 28 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है. तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग शैली सपोर्ट्स बाइगैमी. कौन से वर्क में शैली जो है बाइगैमी को सपोर्ट करते हैं? अलास्टर, एडोनिस, एपिसाइचिडियन, प्रोमेडिस अनबाउंड. किसमें वो बाइगैमी को सपोर्ट करते हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका. प्रोमेडिस अनबाउंड के अंदर ही वो बाइगैमी को सपोर्ट करते हैं. ये एक लिरिकल ड्रामा है और कब लिखा गया था? 1819 में. पब्लिश कब हुआ था? 1820 में. और कितने एक्ट हैं? 4 एक्ट इसके अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो ठीक है गाइस, आज तक यहीं पे समाप्त करते हैं. जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल, और देखते हैं क्या पढ़ना है आगे हमें. जो जॉन किट्स का ये लास्ट वीडियो था, नेक्स्ट मैं कोई और लेके आती हूँ. आई थिंक चार्ल्स डिकन्स को हम लोग पढ़ेंगे कल से. ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज़.